हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पर्पल क्रिएशंस। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए क्रोशिए का ये सॉक्स लेके आई हूँ। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने ये, ये 7 और 8 नंबर का साइज़ है। अगर आपको छोटा साइज़ बनाना है तो ये चीज़ कम करनी पड़ेगी, ये लाइनें, और ये वाली लाइनें भी आपको कम करनी पड़ेगी। देखिए इस तरीके से, ये तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 12 नंबर का हुक यूज़ कर रही हूँ। देखिए 12 नंबर का हुक लिया है और 4 प्लाई की वूल यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मैजिक रिंग बनाती हूँ। आप इसमें 5 चेन बना के भी, सर्कल बना के बना सकती हैं और मैजिक रिंग से भी। तो मैं इसमें मैजिक रिंग बनाती हूँ पहले। इस तरीके से ये मैजिक रिंग बनती है। एक, दो, तीन, ये 3 चेन बनाई है और हमें इसे ही एक डबल क्रोशिया काउंट करना है। देखिए इस तरीके से, तो इस रिंग में मुझे टोटल 18 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए, इस तरीके से 18 डबल क्रोशिया बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने पूरे 18 डबल क्रोशिया बना लिए हैं और इसके बाद मैं इस वाले धागे को खींच के इसे टाइट कर देती हूँ। ये देखिए, अच्छी तरह मैं इसे टाइट कर देती हूँ। इस तरीके से ये बंद हो जाएगा, ये होल बीच का, और ये ऐसे। अब इसके बाद इस वाले स्टिच से फर्स्ट जो हमने बनाया था, 3 चेन बनाई थी जो हमने, इसके तीसरे वाले स्टिच से मैं इसे स्लिप स्टिच से क्लोज कर देती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने ये क्लोज कर दिया। अब इसके बाद दूसरा राउंड हम बनाएंगे, तो हर स्टिच में 2-2 बार हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इसका मतलब हम 18 के बाद ये 36 बन जाएंगे, टोटल 36 हो जाएंगे। हर स्टिच में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो पहले मैं 3 चेन बना लेती हूँ। 1, 2, ये 3 चेन बना के अब फिर इसी में मैं डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। अब ये 1 स्टिच में 2 हो गए, फिर अगले स्टिच में भी 2, इस तरीके से डबल क्रोशिया बनते जाएंगे। इस राउंड में हमें 36 ये बन जाएंगे इस डबल क्रोशिया। हर स्टिच में हमें 2 बार, इस तरीके से मैं पूरा राउंड अभी बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये राउंड कंप्लीट हो गया।
सेकेंड राउंड है, इसमें हर स्टिच में दो दो बार डबल क्रोशिया बनाए। अब थर्ड राउंड स्टार्ट होगा, तो मैं इसमें इसकी एक दो तीसरी चेन में इसको स्किप कर देती हूँ। देखिए सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं तीन चेन बनाती हूँ, एक दो ये तीन, एक डबल क्रोशिया हो जाएगा एक। अब हमें हर फोर्थ स्टिच में दो बार डबल क्रोशिया बनाना है। तीन स्टिच में तो हमें एक एक बार बनाना होगा और फोर्थ स्टिच में हमें दो बार, देखिए इस तरीके से एक दो ये तीन, तीन हमने हर स्टिच में एक एक बनाया है। अब हम चौथा स्टिच जो आता है उसमें हम दो बार एक और ये दो, फिर ये थर्ड राउंड में, थर्ड राउंड है इसमें तीन बार तो एक एक बार बनेगा और चौथे स्टिच में हमें दो बार बनाना है। तीसरा है ये और ये फोर्थ स्टिच में देखिए दो बार बनेगा, एक और ये दो, फिर तीन बार एक एक बार, एक दो और ये तीन, देखिए फिर फोर्थ स्टिच में हमें दो बार। थर्ड राउंड है, मैं इसको कंप्लीट करके अभी बताती हूँ कि मेरा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद मैं फोर्थ राउंड बनाऊंगी, तो पहले इसको मैं स्लिप स्टिच से कंप्लीट करती हूँ। थर्ड चेन में इस तरीके से ये हो गया। अब मैं फोर्थ राउंड में पूरे में ऐसे ही बनाऊँ, कोई भी बढ़ेगा नहीं स्टिच, हर स्टिच में एक एक बार बनाना है। तो देखिए एक दो तीन चेन बना के अब मैं इसका हर स्टिच में एक बार डबल क्रोशिया बनाती हूँ। ये देखिए फोर्थ राउंड अब मैं कंप्लीट करके बताती हूँ आपको। चार राउंड बनने इसके बाद पैटर्न बनेगा। ये देखिए राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको स्किप करती हूँ इस वाले थर्ड चेन में से। अब ये देखिए अब मैं पैटर्न बनाती हूँ, ये जो ऊपर का पैटर्न बना है ये देखिए इस तरीके से। पहले हम तीन रो बनानी है और तीन चेन बनानी है, ये देखिए इस तरीके से। अब हमें इस एक स्टिच को छोड़कर अगले स्टिच में
डबल क्रोशिया बनाना है और फिर जो हमने ये बीच का स्टिच था इसमें से ये निकालते हुए हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। ये तीनों को एक साथ निकाल देना है, ये देखिए। इसके बाद फिर इस तरीके से इस स्टिच को हम स्किप कर देंगे, अगले स्टिच में डबल क्रोशिया बनाना है और फिर जो हमने स्किप करा था ये वाला स्टिच इसमें से हाफ डबल क्रोशिया इस तरीके से तीनों को एक साथ निकाल देना है। इस तरीके से इसको छोड़ के इस वाले में डबल क्रोशिया, जो हमने छोड़ा था इसमें हाफ डबल क्रोशिया, इसको छोड़ते हुए इसको डबल क्रोशिया, जो हमने स्किप करा था उसमें से हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इसको स्किप करा इसमें बनाया, इस तरीके से ये पैटर्न बनता जाएगा ये देखिए। और मैं अभी इसको इस राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं इसमें थर्ड चेन में स्किप करती हूँ, इसको स्लिप स्टिच बनाती हूँ। स्लिप स्टिच बनाना है इसका, ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब सेकंड राउंड पे हम, तो सेकंड राउंड पहले तीन चेन बनानी है, हर राउंड शुरू करने से पहले तीन चेन बनानी है। इसके बाद अब हमें इस वाले स्टिच में से जो हमने ये पैटर्न बनाया है इस वाले स्टिच में से डबल क्रोशिया बनाना है। और फिर ये वाले स्टिच में से हमें हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसी तरीके से ये देखिए इस वाले स्टिच में से हमें डबल क्रोशिया और ये जो इन दोनों के बीच का ये सेंटर का ये वाला इसमें हाफ डबल क्रोशिया। इस तरीके से सेकंड रो, ये सेकंड राउंड इस तरीके से बनता जाएगा। मैं फिर बता देती हूँ आपको, ये देखिए इसमें से हमें हाफ डबल क्रोशिया। सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया ये, इसी तरीके से ये पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा और टोटल हमें ये 12 रोज़ बनानी है। अब ये सेकंड रो है, 10 रो और बनानी है,
इसके बाद फिर ये वाला पोर्शन स्टार्ट होगा, ये वाला तो मैं आपको यहाँ तक बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ तक इसका ये आगे का इतना ये वाला पोर्शन बना लिया है। ये 12 रोज हैं पैटर्न की ये वाली। अब मैं इसको उनको कट कर देती हूँ। इसको अंदर हाइड कर देती हूँ मैं। हमें इस तरीके से अब हमें ये वाला पोर्शन 6 रखने हैं। ये 6 वाली 6 डिब्बियाँ 1 2 3 4 5 6 डिब्बियाँ छोड़नी है। इधर से मार्कर लगा सकती हैं आप, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये 6 यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। डबल क्रोशिया बनेगा ये वाला पोर्शन बनेगा अब ये वाला। तो ये सेंटर के मैंने 6 डिब्बियाँ छोड़ दी हैं। इसके बाद मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 यहाँ से छोड़ के यहाँ तक बनाऊँगी। देखिए मैं बताती हूँ आपको। यहाँ से मैंने 3 चेन बना ली है। अब यहाँ से मैं हर स्टिच में डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरीके से मैं यहाँ मार्कर लगा, आप अपनी आसानी के लिए मार्कर लगा सकती हैं। तो यहाँ तक मैं ये पूरी रो बना के लाती हूँ या तो दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ तक मिल गई। यहाँ 1 2 3 4 5 6 ये डिब्बियाँ जो होती हैं ये पैटर्न यहाँ दोनों के आसपास 6 बीच में रखना है और यहाँ से राउंड लेते हुए यहाँ तक बनाना है। अब मैंने एक राउंड बना लिया यहाँ तक। अब इसके बाद मैं ये टर्न करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ 3 चेन बनाती हूँ। 1 2 3 हर रो में स्टार्ट करने से पहले 3 चेन बनेगी। इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। ये देखिए ये दूसरी रो बन गई है, बन रही है। और इसी तरह हमें ये टोटल 12 रो बनानी है इस तरीके से। ये देखिए ये यहाँ से स्टार्ट है 1 2 3 4 5 टोटल 12 रो बनाने के बाद फिर मैं आपको यहाँ से ये बताऊँगी लास्ट वाली रो। तो आप यहाँ से यहाँ तक 12 रो बना लीजिए। 12 रो बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने 12 रो बना ली हैं। ये
अब इसके बाद मैं जो 13 रो है इसमें पूरे ये मैंने स्टिच गिन लिए हैं, ये 36 हैं स्टिच। तो अब हमें 14 तो यहाँ से बना के मैं बताती हूँ, 14 फंदे यहाँ छोड़ने, 14 तो यहाँ, ये देखिए अभी मैं बताती हूँ आपको। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह और ये 14। यहाँ मैंने 14 फंदों में डबल क्रोशिया बना लिया है। देखिए अब इसके बाद ये सेंटर के जो 8 फंदे मुझे एक साथ बनाने हैं, 14 इधर छोड़ देने, वो बाद में बनेंगे, पहले 8 फंदे एक साथ बनाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात और ये 8। 8 फंदे मैंने इस तरीके से एक साथ बना लिए हैं, ये ऐसे बना लिए हैं। अब इनको मैं एक साथ निकाल देती हूँ धागे को, ये देखिए इस तरीके से एक साथ बनाने हैं इनको। इस तरीके से एक साथ बना लिया मैंने सबको, देखिए। इसके बाद इसको मैं एक चेन से पक्का कर देंगे, ये देखिए ये हील का वो है पोर्शन। अब इसके बाद ये जो 14 फंदे रह गए हैं इधर के, इनमें मुझे डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से, एक, दो, ये देखिए ये मैं पूरा बना के अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये लास्ट रो कंप्लीट हो गई इसकी, ये हो गई लास्ट रो कंप्लीट। अब हम इसे उल्टी तरफ से ऐसे ही है, देखिए ये इसकी रॉन्ग साइड है। अभी हम इनको ऐसे दोनों को एक साथ बंद कर देते हैं इस तरीके से, देखिए ये देखिए इस तरीके से, सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हर स्टिच में, देखिए यहाँ से दोनों में तरफ से एक एक स्टिच लेते हुए सिंगल क्रोशिया बनाना है हमें। यहाँ से यहाँ तक इसे बंद कर देना है, यहाँ तक मैं बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने पूरा बंद कर दिया, अब मैं इसको कट कर दूंगी ऊन को। इसको हाइड कर देती हूँ मैं यहाँ पर,
इस तरीके से आ जाती है एड़ी का ये वाला पोर्शन, ये ऐसे बन जाता है। अब ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका यहाँ का जो ये जो किनारे पे मैंने बनाए हुए हैं सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ चारों तरफ, ये देखिए, तो मैं आपको इस सिंगल क्रोशिया बताती हूँ। यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ पीछे से, ये हर स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ से मैं स्टार्ट कर देती हूँ, ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरे में सिंगल क्रोशिया बनाना है। मैं और बता देती हूँ, थोड़ा सा और बता देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए मैं यहाँ तक पूरा ये राउंड बना के अभी आपको दिखाती हूँ कि देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया। ये देखिए अब इसको मैं यहाँ से इसको इस तरीके से यहाँ से ये ऐसे स्किप कर देती हूँ, ये वाला मैं इसको ऊन को कट कर देती हूँ और इसको मैं हाइड कर दूँगी। ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया है। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया।